हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं यहाँ पर एक कैमरा कंपैरिजन। कैमरा कंपेयर करेंगे यहाँ पर वन प्लस 12R जो कि नया नया आया है पुराने वाले वन प्लस 11R के साथ। तो वीडियो में काफ़ी सारे यहाँ पर हम पार्ट्स में भी फोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे और मैंने रियल टाइम सिनेरियोज़ पिक करे हैं जिनमें हम फोटोज़ अपनी क्लिक करते हैं ज़्यादातर, तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पर मैं बात करूँगा। बाकी डिज़ाइन की बात करें दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। 12R में कुछ इम्प्रूवमेंट करे गए हैं डिज़ाइन के मामले में, जैसे ऑल मेटल फ्रेम देखने को मिल जाता है और थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। इन हैंड फील वगैरह भी थोड़ी अच्छी है। कैमरा डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दोनों में ही सेम सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, बस यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का फ़र्क होगा। जो भी होगा, किस तरह से यहाँ पर प्रोसेसर के साथ ऑप्टिमाइज़ करा गया है वो सब देखने वाली बात होगी। फ्रंट में भी यहाँ पर आपको सेम ही कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है 16 16 मेगापिक्सल का। अब UI चेकआउट कर लेते हैं तो वन प्लस 11R का UI देख लेते हैं। सबसे पहले आपको साइड में देखने को मिलता है नाइट मोड, ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, फिर वीडियो, वीडियो में यहाँ पर आपको 4K 60 FPS तक मैक्सिमम देखने को मिल जाती है यहाँ पर बैक कैमरे से। देन फोटो, फोटो में यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, और पोर्ट्रेट मोड में बोके वगैरह यहाँ पर आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो जितना आपको चाहिए। और मोर में चलें तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे प्रो मोड, डुअल वीडियो और यहाँ पर टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें। अब चलते हैं 12R के UI की तरफ। तो यहाँ पर UI में सबसे पहले आपको प्रो मोड देखने को मिल जाता है, फिर वीडियो, वीडियो में यहाँ पर भी आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट दिया गया है बैक कैमरे में। फ़ोटो पर चलें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ यहाँ पर रीटच ब्यूटी वाले फ़ीचर्स, और यहाँ पर आपको फ़िल्टर्स वगैरह भी दिए जाते हैं ऊपर की तरफ, और कुछ फीचर्स हैं। पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ पर आपको ब्यूटी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, और मोर में चलें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है लॉन्ग एक्सपोजर और डुअल वीडियो, स्लो मोशन, मैक्रो, ये सारी चीज़ें। तो सेम सा ही ऑलमोस्ट UI है। तो गाइज, टाइम ना वेस्ट करते हुए कैमरा सैंपल्स पर चलते हैं। तो वन प्लस 12R में यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिली, और नीचे यहाँ पर बार आने की वजह से, ये नया वाला इनका लोगो आने की वजह से थोड़ी सी फोटो यहाँ पर छोटी दिख रही है। बाकी दोनों यहाँ पर अच्छी फ़ोटो क्लिक करते हैं। 11R की फ़ोटो थोड़ी कंट्रास्टी ज़्यादा है, उसमें कलर्स थोड़े सैचुरेटेड नहीं लगते। 12R में थोड़ा सा यहाँ पर क्लोज टू नेचुरल रखने की कोशिश करी गई है। अब डायनेमिक रेंज दोनों की चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 12R में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। स्काई यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, और शेडोज़ वगैरह में भी आप देख सकते हो ज़्यादा यहाँ पर डिटेल निकाल पा रहा है 12R। 11R की फ़ोटो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती थी, इस वाली फ़ोटो में भी आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंसेस हैं। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर भी आप ओवरऑल फ़ोटो देखोगे तो आपको 12R की फ़ोटो ज़्यादा नेचुरल लगेगी। 11R में थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रास्ट ज़्यादा हो जाती थी, यहाँ डिटेल आप ज़्यादा कैप्चर कर सकते हो 12R के थ्रू। बाकी 11R का कैमरा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा था अभी तक, बट साइड बाय साइड यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ी कंट्रास्टी ज़्यादा इमेज लग रही है 11R की। 12R में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रखने की कोशिश करी है। अब चलते हैं मेन ह्यूमन शॉट्स की तरफ। तो 11R यहाँ पर गोरा करने पर ज़्यादा ध्यान देता था, वो चीज़ यहाँ पर 12R में इम्प्रूव करी गई है, और देख सकते हो कुछ यहाँ पर आपको एक्चुअल कलर्स ही देखने को मिलेंगे ग्रास का, मेरे फेस का। फ्रंट कैमरे की तरफ चलें तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा दोनों का ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलता है। 12R थोड़ा सा यहाँ पर पोर्ट्रेट टाइप की सी फ़ोटोज़ बनाता है, जैसे ऑयल पेस्टल टाइप की फ़ोटोज़ देखने में वो अच्छी लगती हैं। अब पोर्ट्रेट मोड पर चलें तो यहाँ पर वही 11R आपका गोरे करने पर ध्यान देता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे कलर्स मैनेज करे हैं, बैकग्राउंड ब्लर भी यहाँ पर 12R का काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर प्रोसेसर इसका काफ़ी साथ दे रहा है। मेरे पिंपल्स वगैरह भी आप देख सकते हो 11R ने छिपा दिए और उसमें दिखा दिए। और फ्रंट कैमरे में यहाँ पर आपको ऑयल पेस्टल जैसी फ़ोटोज़ मिलेंगी 12R से, जो कि अच्छी लगती हैं दिखने में। अब चलते हैं वाइड एंगल कैमरा की तरफ, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करी गई है या नहीं। तो यहाँ पर आपको डायनेमिक रेंज वगैरह तो इम्प्रूव देखने को मिल जाएगी। बाकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है। साइड बाय साइड अब अगर आप फोटो में देखोगे तो आपको डिफरेंसेस दिख जाएंगे, कलर टोन ये सब थोड़े से आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। थोड़ी यहाँ पर बेटर करी गई है, बट अभी भी दी बेस्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं है। आपको जूमिंग शॉट्स देख लेते हैं। सबसे पहले वाइड एंगल शॉट, डिफरेंसेस आप देख सकते हो, 12R की फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लग रही है, ज़्यादा शार्प है, और 1x पे भी आप फ़ोटो देख सकते हो, और 2x में भी यहाँ पर आप देख सकते हो 5x, और इसके बाद 10x में यहाँ पर ज़्यादा शार्प मुझे लगी 11R की फ़ोटो।
अब वीडियो और माइक की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों से ही आप 4K 60 FPS में वीडियो बना सकते हो, दोनों में ही आपको फ्लेयर देखने को मिल जाते हैं लेंस पर। कलर्स की यहाँ पर मैं बात करूँ तो 11R देख सकते हो आप, स्काई का कलर थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रास्ट बढ़ा देता है, नेचुरल रखने की कोशिश नहीं करता, देखने में तो अच्छी लगती हैं बट यहाँ पर डिफरेंसेस आप देख सकते हो। हाय गाइस, ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080p 60 FPS पे। मैं यहाँ पर काफ़ी तेज़ वॉक कर रहा हूँ जिससे आपको स्टेबलाइजेशन वगैरह का पता चल जाए और किस टाइप का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ये आप देख सकते हो। हाय गाइस, ये वीडियो हम लोग फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं 1+11R के, कुछ इस टाइप की आपको क्वालिटी देखने को मिलती है। अभी मैं सनलाइट के सामने आ जाता हूँ और अभी चलते हैं सनलाइट के अपोजिट, तो कुछ इस टाइप से आपको कलर में चेंज देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फ़ोन में आपको पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर दोनों का। यहाँ पर एज डिटेक्शन और पोर्ट्रेट मोड देख लेते हैं, तो देख सकते हो दोनों का मुझे यहाँ पर सेम सा लगा, बस कलर्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। कलर्स आपको दोनों में कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं, बाकी यहाँ पर ब्लर वगैरह मुझे दोनों की इंटेंसिटी सेम लगी। दोनों में आपको डुअल वीडियो का मोड देखने को मिल जाता है जिसमें आप फ्रंट कैमरे बैक कैमरे से दोनों से एक साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन की मैं बात करूँ तो ज़्यादा स्टेबल मुझे 12R की वीडियो लगी, ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी मुझे 12R की वीडियो में दिखी, फ्रंट कैमरे में भी बैक कैमरे में भी, तो हल्के हल्के से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है। ऑटो फोकस की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो दोनों फ़ोन्स यहाँ पर फोकस के मामले में तो काफ़ी बढ़िया हैं, ब्लर वगैरह बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे से करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कलर्स की, तो मुझे कलर्स जो बैकग्राउंड के हैं ज़्यादा बेटर लगे यहाँ पर 12R के। देख सकते हो आप किस तरह से यहाँ पर ब्लर के कलर्स वगैरह हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। स्लो मोशन की बात करें तो दोनों में ही आप 240 FPS मिनिमम रिकॉर्ड कर सकते हो और एग्जैक्ट मुझे सेम सी यहाँ पर क्वालिटी लगी, किसी में भी कोई ज़्यादा खास डिफरेंसेस नहीं था। और स्लो मोशंस के लिए वैसे मैं एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादा रिकमेंड करता भी नहीं हूँ, यहाँ पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है स्लो मोशन होने के बाद। अब रात के कुछ कैमरा सैंपल्स चेकआउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर नाइट में आपको दोनों की फ़ोटोज़ एकदम सेम लगने वाली हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कलर्स का डिफरेंस है, ग्रीन टिंट यहाँ पर जो आती थी 11R में वो 12R में कहीं कहीं पर दोनों फ़ोटोज़ में आपको रिवर्स ही देखने को मिल जाएगी। दोनों में लाइट कैप्चर दोनों काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, तो किसी एक को पिक कर पाना थोड़ा मुश्किल है। कलर्स का यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों ही फ़ोन में, वो मुझे नोटिस हुआ। अब ह्यूमन शॉट्स पे चलते हैं, रात में कौन अच्छी फ़ोटो खींचता है अपनी अगर आप क्लिक करोगे तो मुझे 12R की फ़ोटो ज़्यादा बेटर लगी। देख सकते हो आप डिटेल वगैरह ज़्यादा अच्छी 12R ने कैप्चर करी है और फ़ोटो शार्प लग रही हैं 12R की। फ्रंट कैमरे में भी यहाँ पर मैं रात की परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ 12R की। अलग सी ही एक यहाँ पर ब्यूटी सी इसने फ़ोटोज़ में लगा दी है रेड टिंट, जो कि काफ़ी सूट कर रहा है यहाँ पर फ़ोटोज़ के हिसाब से। अब पोर्ट्रेट मोड चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरे से, पोर्ट्रेट मोड की यहाँ पर ऑलमोस्ट परफेक्ट फ़ोटोज़ निकाल के दिए हैं 12R ने और मैं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मानूंगा। रात में पोर्ट्रेट मोड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो 12R में आप पिंपल भी देख सकते हो मेरा, और फ्रंट कैमरे ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फ़ोटोज़ एकदम क्रिस्प आ रही हैं। तो यहाँ पर रात में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी गई है कैमरे में, नॉर्मल अगर आप अपनी फ़ोटोज़ खींचते हो तो उसमें आपको नोटिस हो जाएगा। अब वाइड एंगल की यहाँ पर फ़ोटोज़ देखें तो यहाँ पर कलर साइंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाती है, और किसी एक को यहाँ पर पिक करना हो तो मैं यहाँ पर 12R को पिक करूँगा, काफ़ी फ़र्क है इनकी रात की फ़ोटोज़ में वाइड एंगल कैमरे की। अब वीडियो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर वीडियो आपको दोनों में ही देखने को मिल जाती है, 1080p 60 FPS पे मैंने यहाँ पर शूट करी है। थोड़ी सी शेकी शेकी सी मुझे 12R की वीडियो लगी रात में, पता नहीं क्यों, यहाँ पर शायद कोई अपडेट वगैरह के थ्रू ये फिक्स करी जाएगी, बग सा नोटिस हुआ मुझे इस फ़ोन में। और फ्रंट कैमरे की यहाँ पर बात करूँ तो आपको थोड़ी सी स्टेबलाइज वीडियो ज़्यादा देखने को मिलेगी 12R में, 11R में थोड़ी सी शेकी शेकी सी आपको देखने को मिलती थी, तो स्टेबलाइजेशन पर यहाँ पर काम किया गया है, सो इस टाइप की आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो गाइज यहाँ पर दोनों में मैं कंक्लूड करूँ तो आपको 12R की परफॉर्मेंस हर एक सेक्टर में काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, बस एक वाइड एंगल कैमरा है जो आपको थोड़ी सी वीक परफॉर्मेंस देता है यहाँ पर कंपटीशन वगैरह के हिसाब से, तो इस टाइप से आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाती है हर सेक्टर में। वन प्लस ने यहाँ पर 12R को एक फ्लैगशिप किलर बनाने की कोशिश करी है, और 11R और 12R में अगर आप कन्फ्यूज हो कौन सा ले रहे हो तो अगर आपको 5000 से ज़्यादा का डिफरेंस देखने को मिलता है तब तो 11R पिक करना आपको
ठीक है, वरना आप बिना किसी डाउट के 12R पिक कर सकते हो, काफ़ी परफेक्ट फ़ोन है। परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल जाती है। और कुछ और कैमरा कंपैरिजन यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा अपने चैनल पे, तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और तब तक के लिए आपको ये वीडियो में कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मुझे यहाँ पर 12R की कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया लगी है, मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इसकी कैमरा परफॉर्मेंस से। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वन।